अचंभित रह गया था कोई, जब जन्म लेते ही खिलखिलाकर हंसने लगा बच्चा। पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती, माता मनमोहिनी देवी, माँ ने आदर्श नाम रखा अनुकूल, पूरा नाम अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। एक दिन पूजा के समय आसन में विग्रह की जगह खुद बैठ गए वे। डांट फटकार मिली तो कहे, पुकार तो रहा था वो मुझे, असीम लगाव था माँ के प्रति। एक दिन किसी कारण माँ पीठ निकली दौड़ी, भागने लगा बच्चा, पैर में झुकती हुई गर्मी का एहसास हुआ, ख्याल आया ऐसे ही माँ का पाव ही तो चलता होगा। रुक गए, थम गए, पिटाई पड़ी, उससे भी उनका हृदय आनंद से ही भरा था माँ के लिए। उम्र बढ़ी, ज्ञान विज्ञान के अनंत आधार पाठशाला पहुंचे, जहां दुनिया में एक के जैसा हूबहू एक और नहीं, वहां सिखाया जा रहा था एक और एक दो नहीं मान पाए हुए। और क्या, हम साधारण मानव पीछे तो सकते थे उन महाज्ञानी को। बारिश का एक दिन गहरी एक खाई डूब रहा था एक बूढ़ा प्राण, बचाव के लिए पुकार रहा था हाथ बढ़ाए हुए। जीवन बचा तो बूढ़े ने बोला, क्या तुम ही मेरे अल्लाह हो? जिंदगी भर ऐसे अनगिनत हाथ सहारा तो खोजते रहे उनका ही। उम्र और भी बढ़ती गई, पिता की इच्छा से पहुंचे कोलकाता, डॉक्टरी पढ़े। शहर में बिगड़ सकता है बच्चा, इस एहसास से घर से पैसा तंगी से ही भेजा जाता रहा। बड़ी कठिनाइयों से गुजरे हुए दिन, रहने लगे गरीब मजदूरों के बीच, पर हालात से हार नहीं मानी। असहाय साधारण जनों के हृदय में बहा दिए करुणा की धारा। समय के पलटने पर लौट आए गांव, वहां भी चलने लगा वैसा ही प्रेम और करुणा का सिलसिला। फिर एक दिन महसूस किए, हर बीमारी की जड़ है मानव मन, और क्या, निकल पड़े मन की रक्षा करने। गांव में सबको इकट्ठा किए, चारों ओर गूंज उठा कीर्तन। कीर्तन में मतवाले जन जैसे आनंद के नशे में चूर, जनता का एक समूह उस भक्ति रस से दूर होती रही सारी मलिनता। रच उठा एक मधु चक्र, मानो एक एक के प्राण के घेरे में पड़ गए। उनके श्री मुख की वाणी सुनकर नवजीवन पाए सकल जन, साफ दिखने लगा जीवन का जटिल मार्ग भी। ग्रहण ग्रस्त धरा को अंधियारा से राहत मिली, जो भी पास पहुंचे तन मन से हुए हर्षित। हर एक जीवन की पटकथा परिवर्तन के मूल कारण ही थे वे। केंद्रित कर उनको एकत्रित होने लगे लोग, आए आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, संत भी पहुंचे दुर्जन भी, त्यागी संसारी धनी निराश्रय निरक्षर सब आते रहे, आशा की किरण में परिस्नात होने। रचा कर्मशाला रचा ज्ञानशाला, आपूर्ति के लिए आनंद बाजार भी,
आश्रय पाने आकर प्रश्रय ही मिला हम सबको बेहतर जिंदगी की ओर। उनको घेर के जो मंडली तैयार हुई उसे सब पहचानने लगे सत्संग के नाम से। ऐसे ही एक दिन अचानक उस गांव का सब कुछ पीछे छोड़ कर्म भूमि की हर कुछ त्याग चल पड़े पश्चिम की ओर, पहुंचे देवघर। साल भर बाद आई देश विभाजन के हलाहल से ग्रसित राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अनगिनत घर बिखरे, अनेक प्राण बिछड़े, निराशा के वक्त कितनों को शरण दिए वे। शुरू हुई वही कहानी दोबारा, महामानव की लीला का अंतिम पर्व देवघर में ही हुआ समाहित। जो रहे उनमें समाहित, जो रहे उनमें मगन, समकित हो आज भी पाते वे अपने जीवन में, हर एहसास में, हर कदम में यजन याजन इष्ट वृद्धि के माध्यम से नियमित निरंतर ठाकुर को। संग सुधा पाए हुए कई जन आदेश पाकर या तो अपनी इच्छा से, दिल और दिमाग से भी किए कोशिश पर असफल रहे। वो कोशिश मानो एक तितली के अपने पंख लहराकर आसमान छूने का प्रयास जैसा। उनका संपूर्ण बयान करना कठिन ही नहीं असंभव साबित हुआ। उनका व्याख्यान हो सकता नहीं, होता ही नहीं। ठाकुर की उपमा केवल ठाकुर ही है।